नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। सबकी बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें पहलवानों ने भरी हुंकार, दिल्ली जंतर मंतर से इंडिया गेट तक किया कूच, सीधी तस्वीरें पहलवानों के समर्थन में, उमड़ा जनसैलाब, टूट पड़ी पूरी दिल्ली, दिल्ली की जनता जंतर मंतर से पहुंचकर इंडिया गेट तक किया कूच, बिग ब्रेकिंग, सीधी तस्वीरें जहाँ सुरक्षा बलों का भी भारी जमावड़ा सुरक्षा बलों का, और फिर उनके पीछे आगे चलते सुरक्षा बल और सुरक्षा बलों के बीच मीडिया के बाद आप सीधी तस्वीरें देखिए। ये बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको किस तरीके से सीधी तस्वीरें जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ साथ हाथों में तिरंगा लिए जो है वो लोगों की बड़े पैमाने पर पहलवानों के समर्थन में बड़े पैमाने पर जो है वो दिल्ली की जनता उतर गई है और पहलवान जो है वो हाथों में तिरंगा लेकर कूच किए हैं इंडिया गेट का। बड़ी अपडेट, पहलवानों पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे वो आप देख सकते हैं। पहलवानों ने सीधा आरोप लगाया था और उन्हीं आरोपों पर अब ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो, और अगर जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं तब तक ये बंद नहीं होगा। तो ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पहलवानों के समर्थन में बड़ी संख्या में जो है वो लोग कूच कर दिए हैं, और इस बीच महिला पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती पुरजोर तरीके से चप्पे चप्पे पे, लेकिन एक किलोमीटर तक, देखिए किलोमीटर तक जो है वो लंबा पदयात्रा लोग निकाल रहे हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है और अब बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर आज जो जनसैलाब उमड़ रहा है, आखिर जो मांग हो रही है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की, वो आखिर किस तरीके से लोग जो है वो इस समय पहलवानों के समर्थन में उतर गए हैं। दिल्ली की जनता उमड़ गई है, पहलवान खापों से खाप उतर गए हैं, इंडिया गेट पे जो है वो चढ़ाई कर दिए हैं। सीधी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियों भी चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम लोग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर से इंडिया गेट तक जो है वो जा रहे इन पहलवानों को जरा ध्यान से देख लीजिए। इस बीच आपको बता दें, खबर ये भी निकल के आई कि जहां पहलवानों को लेकर के जहां हजारों के इंसाफ के बीच इसमें बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए, खास करके ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करो, पहलवानों के साथ न्याय करो। पीएम मोदी अपनी चुप्पी तोड़ो, न्याय मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन, पीएम मोदी कहाँ गया, आपकी बेटी पढ़ाओ का नारा आदि नारे लिखे जो है वो बैनर के साथ ये लोग निकल रहे हैं। मार्च में शामिल होने के लिए पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक भी पहुंचे, वो व्हील चेयर पर बैठकर मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। केंद्र ने भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। मौके पर मौजूद जनचौक के रिपोर्टर के मुताबिक आंदोलनकारियों की संख्या वहां बहुत ज़्यादा है पुलिसकर्मियों की। आपको बता दें, महिला पहलवानों के आंदोलन को आज एक महीना पूरा हो गया है, और एक महीना पूरे होने के मद्देनज़र ये सीधी तस्वीरें और ये कारवां जो दिख रहा है वो वही है, और लोग जो है वो उमड़ पड़े हैं जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक जाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जंतर मंतर से इंडिया गेट तक नहीं जा पा रहे हैं तो एक काम करिए कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इन लोगों को लग सके और पहलवानों की ताकत दिख सके। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं सोशल मीडिया में, ये पहलवानों का जो ये जत्था है वो वायरल हो गया है। अब आप भी कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, जिस तरीके से पहलवानों का जंतर मंतर कूच है इसे आप कितना कारगर मानते हैं, और इससे क्या वाकई में न्याय जो है वो इससे मिल सकेगा। आप अपने सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि लोग जो है वो बड़े पैमाने पर पहुंच चुके हैं और जनसैलाब जो है वो सीधी तस्वीरें बहुत कुछ बयां करता है। और इस बीच आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक भी पहुंचे और उन्होंने भी भारी पैमाने पर जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। सुनिए क्या कुछ कहना है। एक महीने से हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हुई हैं और उनकी मांगें जायज हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज ये तय किया है सब उन लोगों ने कि आज वो कैंडल मार्च निकालेंगी और इंडिया गेट तक जाएंगी।
मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि बड़ी से बड़ी तादाद में उसमें हिस्सेदारी करें, मैं भी खुद उसमें पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें राहुल गांधी, जी हाँ राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के साथ मन की बात करते नजर आए, गुरुद्वारे में टेका मत्था। इस अंदाज में राहुल गांधी की अंबाला ट्रक राइड तस्वीरें सोशल मीडिया पे हो गई वायरल। राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से जाना उनका हाल, अचानक आधी रात को घर से निकले, सुरक्षा एजेंसियों के छूटे पसीने। दरअसल आपको बताते हैं राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। सुबह उठते ही लोग जब ट्विटर खोलने लगे तो देखा कि राहुल गांधी पूरी रात एक अलग ही अंदाज में देखने को मिले। राहुल गांधी दिल्ली से अपने घर से निकले और फिर पंजाब की तरफ निकलते चले गए। राहुल गांधी बीच बीच में रुके और ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की, ट्रक ड्राइवरों से उनकी समस्याएं जानी, ट्रक ड्राइवरों को होने वाली समस्याओं को भी परखा। आखिर रास्तों में किन किन मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है, व्यापार से लेकर के तमाम चीजों के बारे में उन्होंने जाना। ट्रक पे सवार राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। यूथ कांग्रेस ने कहा राहुल ने ट्रक ड्राइवरों की परेशानियां समझने के लिए ऐसा किया, उन्होंने इस दौरान ट्रक चालकों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा कि जननायक राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने उनके बीच पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मंगलवार सुबह एक एक अलग अंदाज में नजर आए और राहुल गांधी दिल्ली सड़कों मार्ग जरिए ट्रक से अंबाला पहुंचे। फिर वहां उन्होंने एक गुरुद्वारे में माथा टेका, बाद में अंबाला से शिमला के लिए वो रवाना हो गए। कर्नाटका की सियासी थकान और मैदानों में पड़ रही भारी गर्मी से राहत पाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे हैं। उनका ये निजी दौरा है, यहां पर वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर में रुके हैं। प्रियंका गांधी ने शिमला के छरबड़ा में घर बनाया है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक में सवार होकर आए राहुल गांधी ने ट्रक चालकों की समस्याओं को समझने की कोशिश भी की। इस बीच आपको बता दें कई जगहों पर उन्होंने ट्रक भी बदला और एक एक ट्रक ड्राइवर की समस्याएं भी सुनी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो गया है, जरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक की सवारी करते नजर आ रहे हैं। और इससे बीजेपी में हड़कंप है, बीजेपी में इसलिए हड़कंप है जो राहुल गांधी जो है वो हर एक चुनाव में विदेशों का दौरा करते थे, वो राहुल गांधी इस बार अलग अलग अंदाज में दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ये भाजपाइयों के पेट में दर्द उठने जैसी बात हो चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा में भाजपाइयों का हाथ। बड़ी खबर, बीजेपी का पूर्व MLA समेत 3 गिरफ्तार, ताजा हिंसा में 2 घरों में लगाई गई आग। समझ लीजिए, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मणिपुर में हिंसा के पीछे कौन है, आखिर मोदी और अमित शाह की चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है, मणिपुर में आखिर हिंसा के जरिए बीजेपी क्या पाना चाहती है। लेकिन मामला कुछ भी हो, लेकिन भाजपाई धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले में हथियारबंद 2 बदमाशों ने सोमवार को लोगों की दुकानें बंद करने के लिए उन्हें बाध्य किया। अफरा तफरी का माहौल, दंगे जैसे हालात बने। इसके बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, उग्र भीड़ ने 2 घरों में आग लगा दी। हालांकि आगजनी की इस घटना से किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं आई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भीड़ ने एक बदमाश की पिटाई भी की जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। जब जनता ने दोनों को हिरासत में लिया तो पता चला कि वो विधायक है, पूर्व विधायक, जी हाँ पूर्व विधायक है, और 3 को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर इस घटना का विरोध किया। पूर्वी इम्फाल जिले में पहले कर्फ्यू में ढील दी गई और लेकिन इस घटना के बाद फिर से कड़ा कर दिया गया और इलाकों में इंटरनेट सेवा पहले ही सस्पेंड है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घटनाक्रम की पुष्टि की और जोर देकर कहा इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में कथित संलिप्तता के आरोप में सोमवार को बीजेपी के पूर्व विधायक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पूर्व विधायक की पहचान चुराचांदपुर जिले के हेलनपुर निर्वाचन क्षेत्र के टी जंगल थानपुर के रूप में हुई और 2017 में इस सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार जीत चुके हैं। और टी थंग जालम ने 2020 में जो है वो इस तरीके की हरकतें की। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इसमें अगर जनता ने पकड़ा ना होता तो शायद बीजेपी नेताओं का खुलासा ना होता है। तो मणिपुर के लोग जो है वो इस बात से डरे हुए हैं, एक तरफ सहमे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो राजनीति को लेकर जिस तरीके से भाजपा इसमें पकड़े जा रहे हैं और दिल्ली तक शांति बनी हुई है, इसमें बहुत बड़ी साजिश की बुआ रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग मर चुके हैं और भारी अव्यवस्था है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों के जो रहने वाले लोग हैं वो छोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। अगली एक और अपडेट, पटना में एकजुट होगा विपक्ष और दिल्ली में बन सकती है गवाह। 1-2 दिन में होने वाले हैं बड़े ऐलान, मोदी सरकार को लग सकता है तगड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर विपक्षी एकजुटता के प्रयास को तेज करने और इसके आगे की रूपरेखा को लेकर लंबी चर्चा
की है। इस दौरान निर्णय भी लिया गया है कि विपक्षी दलों की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में अगले एक दो घंटे में फैसला कर लिया जाएगा, अगले एक दो दिनों में। तो दोस्तों दो तीन दिनों में ये बड़ा ऐलान होने वाला है कि आखिर कैसे जब वो राहुल गांधी इस बार विपक्षी एकजुटता में साफ साफ तमाम विपक्षी नेताओं की झलक देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से तगड़ा झटका होगा उन लोगों के लिए जो लगातार देश तोड़ने और विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे थे। माना जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और यूपी में अखिलेश यादव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी इस मंच पर ला सकते हैं। यानी तीनों जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी कांग्रेस के समर्थन में, नीतीश कुमार जो है वो एक बड़ा अहम रोल निभाने वाले हैं। तो ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अगली एक और अपडेट दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां बिग ब्रेकिंग, मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस ने की अभद्रता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पुलिस को इस तरीके से मनीष के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है या फिर पुलिस को इस तरीके से ऊपर से कहा गया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार करें। सोशल मीडिया में इस वीडियो को ज़रा देख लीजिए कैसे जो है वो मनीष राव जबिनी कोर्ट में पेशी के दौरान आए थे तो उनके साथ किस तरीके से पुलिस ने अभद्रता की है, मीडिया वालों के साथ अभद्रता की है। जब मीडिया वालों ने सवाल पूछने की कोशिश की तो किस तरीके से उनको जो है वो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, बताने के लिए कुछ नहीं है, किस तरीके से उनके साथ पकड़ कर ये देखिए ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए पुलिस किस तरीके से उनको पकड़ के ले जा रही है। ये सोशल मीडिया में वीडियो जो है वायरल हो गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि भैया क्या पुलिस को इस तरीके से मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? सीधे तौर पर ऊपर से ही कहा गया होगा, वरना इस तरीके से कोई ऐसा नहीं करता है। सुनिए क्या कुछ कहना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी कानून लाके बेसिक स्ट्रक्चर, कल को अगर कोई ब्रूट मेजोरिटी आ गई और उसने कह दिया जनतंत्र खत्म कर दिया उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र अब नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, सेंटर अलग है स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा मानना है कई सारे कानून के जानकारों का कि ये ऑर्डिनेंस जो है या ये अगर कानून की शेप भी लेता है तो ये कोर्ट के अंदर टिकना नहीं टिकेगा।